पदार्थ के अणु गर्म होने पर ऊष्मा पाकर ऊपर चले जाते हैं और ठंडे अणु नीचे आ जाते हैं। इसे ही हम संवहन कहते हैं। संवहन देखने के लिए हमें चाहिए एक मोमबत्ती, एक पाइप का टुकड़ा जिसके एक कोने में छेद हो, और चाहिए अगरबत्ती। अभी देखते हैं यह अगरबत्ती का धुआं इधर उधर जा रहा है। अब यदि हम इस जलती हुई मोमबत्ती को इस पाइप के टुकड़े से ढक देते हैं और यह अगरबत्ती का धुआं इसके पास लाते हैं, तो देखिए क्या होता है। धुआं अंदर जाने लगता है मोमबत्ती के पास और ऊपर से निकलने लगता है। अंदर की हवा मोमबत्ती से उष्मा पाकर गर्म हो गई। अंदर की हवा मोमबत्ती से उष्मा पाकर गर्म हो जाती है और वह ऊपर की ओर उठने लगती है। उसका स्थान लेने के लिए नीचे से ठंडी हवा या अगरबत्ती का धुआं अंदर जाता है और वह ऊपर से निकलने लगता है। इसे ही संवहन कहते हैं। क्या धुआं आपको नजर आया? संवहन, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे से उसका स्थान लेने आती है। इसे ही संवहन कहते हैं। मोमबत्ती के गर्मी के कारण उष्मा पाकर अंदर की हवा ऊपर आ गई और नीचे से अगरबत्ती का धुआं ठंडी हवा उसका स्थान लेने नीचे आता है। यही है संवहन।